फंदा। प्यारे बच्चों, एक वड़े कार च एक वड़ी अलमारी आई। उस अलमारी ते चूहा रहिंदा आया। अलमारी विच केक, बिस्किट, मक्खन, डबल रोटी, हर किस्म दी चीज़ां पई हुंदी आईयां। इस वजह चूहे नूं खाने पीने दी कोई कमी नहीं आई। अगर कदी बिल्ली आ जांदी ते जल्दी नस के ओ आपणे बिल नूं छुड़ जांदी। एक दिन चूहा अपनी मां नाल बोला, कार वालिया ने एक बहुत वड़ा सोहना कार बनाया वे। ये कार तारां ते लकड़ियां सी बनाया गया वे। इस विच मैं बड़े आराम नाल रह सकना वा। इस विच बिल्ली तां भी डर नहीं गा, क्योंकि वह इसके दरवाजे दाखिल ही नहीं हो सकती। मेरे खाने वास्ते उस दे विच एक पनीर का टुकड़ा पहले से ही रख दिता गया वे। मैं उस कार जाने लगा हाँ, बड़े मैंने सोचा है तुहानू मैं लान लैंदा जावां। चूहिया, यानी चूहे की माँ ने घबरा के बोला, ना पुत्र ना, खबरदार उस कार ना जावी। अच्छो होया वे कि तू उस विच नहीं गया वे, नहीं तो वह तू कभी बाहर नहीं आ सकना वे। क्यों माँ? मेरे पोले पुत्र जिसनों तू कार समझना पिया वे, वो एक किस्म का फंदा वे, फंदा जड़ा तेनू पकड़ने वास्ते लगाया गया वे, ते पनीर तेनू लालच देने वास्ते रखा गया वे, ताकि तू अंदर चला जावे ते तेरे वास्ते ये भी अच्छा वे कि कभी तू भुल के भी उस तरफ ना जावी। देखा बच्चो, इसी तरह दुनिया में बड़े लोग दूसरे नू फसाने वास्ते धोखे का जाल बिछांदे हुन, ते बेवकूफ ते लालची आदमी उसे फस जांदा वे।